नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। अयोध्या में वीएचपी की विराट धर्म सभा मंदिर संकल्प के साथ अब संपन्न हुई है। इसमें कई सारी बातें निकल के आई, लेकिन एक बयान जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य की तरफ से सामने आया, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें सरकार के एक बड़े मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 11 दिसंबर के बाद बड़ा ऐलान होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर वो मंत्री कौन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर वीएचपी की धर्मसभा का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। मंच पर विश्व हिंदू परिषद के तमाम दिग्गज चेहरे और साधु संतों का जमावड़ा और मैदान में जनसैलाब। रामधुन और जय श्री राम के जयकारे के साथ जब सभा का शंखनाद हुआ तो मंदिर पर हुंकार और बुलंद हो गया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय सचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमें पूरी जमीन चाहिए और जमीन बंटवारे का कोई भी फॉर्मूला मंजूर नहीं होगा। धर्म सभा में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा जगगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य का वो बयान, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार के बड़े मंत्री का हवाला देते हुए कहा कि 11 दिसंबर से 12 जनवरी तक होगा राम मंदिर पर बड़ा फैसला। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि क्या साधु संतों के आक्रोश को थामने के लिए सरकार किसी बड़े प्लान की तैयारी में है। अयोध्या चले आइए, एक धारा को देखने चले आइए, इस मंच को देखिए और जनसैलाब को देखिए। अब पूरे देश के अंदर वातावरण तैयार हो रहा है, हिंदू मान मिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। करीब 4 घंटे तक चली सभा में साधु संतों ने मंदिर पर हुंकार भरी। 1992 के बाद पहली बार अयोध्या में इतना बड़ा जमावड़ा लगा। सभी संतों ने एक सुर में कहा कि मंदिर निर्माण में अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मात्र संदेश यही है, रामलला जहां विराजमान है शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सारे धर्माचार्य जो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं सबका एकमात्र लक्ष्य है रामलला जहाँ विराजमान है शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। धर्म सभा में संकल्प और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय सचिव के बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मंदिर को लेकर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। सवाल यहाँ ये है कि ऑलरेडी कानून बना हुआ है, फैसला करने की जरूरत है। हम भी यही चाह रहे हैं, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया हूँ, दे चुके हैं हिंदू पक्षकार से मिल करके कि इसका फैसला जल्दी किया जाए। कुल मिलाकर धर्मसभा के अंदाज से साफ है कि देश की राजनीति की धुरी में अयोध्या है और जैसे जैसे 2019 की तारीखें करवट लेंगी मंदिर पर ललकार और तेज होगी। टीम न्यूज नेशन। धर्म सभा के जरिए वीएचपी ने राम मंदिर पर बड़ी ताकत दिखाई, साथ ही संत समाज ने सरकार पर दबाव तेज करने की रणनीति का भी ऐलान किया है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रंग है धर्म सभा के,
श्रीराम की नगरी में विराट धर्म सभा में संतों का महाकुंभ लगा तो देश के कोने कोने से आए लोग राम मंदिर पर संतवाड़ी सुनने को बेताब नजर आए। दोपहर 12 बजे जब धर्म सभा का आगाज हुआ तो दिन चढ़ने के साथ साथ संतों का सब्र भी जवाब देने लगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की मांग पर अब संत समाज मोहलत देने को तैयार नहीं, लिहाजा सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे गगनभेदी नारे भी खूब उछले। धर्म सभा में कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया। माना जा रहा था कि प्रस्ताव लाकर वीएचपी और संत समाज सरकार पर दबाव तेज करेगा, मगर मंथन के बाद तय हुआ कि अभी संकल्प पत्र के साथ धर्म सभा को विदाई दी जाए। अगली धर्म सभा 9 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होनी है। राम मंदिर का निर्माण अविलंब प्रारंभ किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जी स्वयं न्याय के रूप है, न्यायो नेता समीरण, वही न्याय भी है, वही नीति भी है। अयोध्या विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी है। धर्म सभा में इसको लेकर काफी आक्रोश दिखा और एक सुर में संतों ने कहा कि बीजेपी और सरकार पर राम मंदिर निर्माण को लेकर बिल या ऑर्डिनेंस लाए। जाहिर है कि धर्म सभा ने गेंद अब सरकार के पाले में डाल दी है और अब इंतजार है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार अयोध्या के उस मुद्दे पर किस तरीके से तस्वीर सामने रखती है। विजनलिस्ट सूफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर की हुंकार से सियासी हलकों में बड़ी हलचल है। चुनावी चौसर में भी मंदिर के मुद्दे पर सियासत तब और गर्मा गई जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और ऐसा इल्जाम जड़ दिया जिससे कांग्रेस भड़क उठी। एक और वीएचपी की धर्म सभा से सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव तेज हुआ तो दूसरी ओर मौके की नजाकत को भांपकर बीजेपी ने सुप्रीम दाव चल दिया और इसका ट्रेलर पीएम मोदी के अलवर रैली में नजर आया। राजस्थान के अलवर से चुनावी शंखनाद के लिए पहुंचे पीएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप मढ़ दिया कि कांग्रेस की वजह से अयोध्या केस की सुनवाई में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट ला करके उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया। महाभियोग दाव से लेकर अयोध्या केस में बतौर वकील कपिल सिब्बल की पैरवी तक प्रधानमंत्री ने सवालों के तीर चलाए। कांग्रेस पार्टी जिसका न्याय में भरोसा नहीं, न्यायपालिका में भरोसा नहीं, न्यायमूर्ति में भरोसा नहीं, इम्पीचमेंट ला करके राज्यसभा की अपनी ताकत के बल पर देश को बंदी बनाने का काम कर रहे हैं। अलवर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर शब्द बाण छोड़े तो कांग्रेस तिलमिला उठी। जवाब का जिम्मा खुद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने संभाला जो बतौर वकील अयोध्या केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे थे। 10 महीने पहले जनवरी से लेकर नवंबर तक पेश नहीं हुआ उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करनी कि वो राजनीति कर रहा है ये भी अपने बाप में असत्य है क्योंकि राजनीति तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उनकी 2019 वाली दलील पर खूब सियासी हंगामा हुआ था और अब जब वो केस से खुद किनारा कर चुके हैं तब भी अयोध्या केस के उसी अध्याय को खोलकर बीजेपी कांग्रेस को घेराबंदी करने में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। राम मंदिर को लेकर हलचल सिर्फ अयोध्या में नहीं हो रही। अयोध्या में वीएचपी और संतों ने धर्म सभा की तो आरएसएस समेत कई संगठनों ने देश के अलग अलग शहरों से अयोध्या में राम मंदिर की आवाज बुलंद की। जन्मभूमि पर मंदिर एक भव्य खड़ा करेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। राम मंदिर की यह हुंकार देश के दूसरे शहरों में भी सुनाई दी। भले ही सबसे ज्यादा हलचल अयोध्या में मची थी जहां सरयू के तट पर हजारों संतों का जमावड़ा हुआ और देश भर से लाखों लोग भी अयोध्या पहुंचे।
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पुकार देश के दूसरे शहरों से भी सुनाई पड़ी। ऐसी ही मांग सामने आई नागपुर में वीएचपी की हुंकार सभा से, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी राम मंदिर पर खुलकर अपनी बात रखी। जनहित के मामले टालते रहना इसमें क्या अर्थ है भाई? एक छोटी सी बात है, निर्णय कर देना है कि पाया गया है कि वहां मंदिर था, राम जन्मभूमि है, रामलला है, उनका ये स्थान है। वर्षों से मोहन भागवत ने जहां सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की, वहीं उन्होंने सरकार से भी मांग की कि वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जल्द कोई कानून बनाए। जल्दी से जल्दी ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि सब दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की का औचित्य सिद्ध हो चुका है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होनी है, लेकिन साधु संतों का एक धड़ा तब तक इंतजार करने के भी पक्ष में नहीं है। नागपुर में साध्वी रितंभरा ने तो ये तक कह दिया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। न्यायालय का जिस तरह अड़ंगेबाजी निर्णय के लिए हो रही है, तो सरकार अध्यादेश लाए और राम मंदिर निर्माण के रास्ते को खोले। राम मंदिर के लिए साधु संतों का एक धड़ा सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि सरकार जनवरी में कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही कोई कड़ा कदम उठाएगी। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि राम मंदिर को लेकर भले ही मंथन अयोध्या में हुआ, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। पिछले एक हफ्ते में अयोध्या में हजारों संत और लाखों लोग जमा हुए, सबने राम मंदिर निर्माण का नारा बुलंद किया। संतों ने धर्म सभा के बाद राम मंदिर के लिए संकल्प भी लिया। आखिर इस संकल्प के मायने क्या है और मंदिर निर्माण की दिशा में अब साधु संत और वीएचपी जैसे संगठन आगे क्या कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। लाखों की भीड़ जुटी, श्री राम के नारे गूंजे और एक बड़े संकल्प के साथ अयोध्या में धर्म सभा संपन्न हो गई। और इसके साथ ही उठने लगे हैं ये सवाल कि अब आगे क्या होगा, राम मंदिर के लिए साधु संतों का अगला कदम क्या होगा, क्या उनके अयोध्या में संकल्प से सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है, या फिर देश की राजधानी में भी इसी तरह लाखों साधु संत जमा होने वाले हैं और दिल्ली में राम मंदिर के लिए करने वाले हैं बड़ा आंदोलन। वाकई मौजूदा केंद्र सरकार को वो संदेश गया है इस धर्म सभा से, जिसका दावा यहाँ मौजूद संत समाज कर रहा था। माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए साधु संतों का एक धड़ा मजबूती से जुट गया है और बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि संघ और वीएचपी की अगुवाई में ये आंदोलन चार चरणों में होगा। अयोध्या में हुई धर्म सभा को इसका पहला चरण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी तरह छोटी बड़ी 153 धर्म सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कामयाबी नहीं मिली तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। प्रयाग कुंभ के समय धर्म संसद के आयोजन तक कार्य संपन्न हो गया तब तो ठीक है, और नहीं तो प्रयाग अर्ध कुंभ के अवसर पर धर्म संसद का जो आयोजन होगा उसमें हम अपने अग्रिम सशक्त कार्यक्रम की घोषणा करें। बताया जा रहा है कि आंदोलन के दूसरे चरण में सभी सांसदों पर राम मंदिर के लिए दबाव बनाया जाएगा। साधु संतों की एक टीम हर संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां के सांसद को मंदिर से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगी। साथ ही मोदी सरकार पर भी राम मंदिर के लिए कानून बनाने का दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। और उनकी सबकी एक ही मांग है कि जन्मभूमि पर मंदिर के लिए हमने 500 साल तक इंतजार किया, 125 साल की कानून लड़ाई के बाद में अब हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब हिंदू समाज इस वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ टकटक की लगाए बैठा हुआ है। जल्दी से जल्दी निर्णय करें प्रधानमंत्री मोदी। संतों के आंदोलन का तीसरा चरण बेहद खास होगा। कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करेंगी। 9 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी तरह की रैली करने का प्लान है। कहा जा रहा है कि इस रैली में 6 लाख से ज्यादा लोग जमा होंगे, जो एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण के लिए हुंकार भरेंगे। कहा जा रहा है कि साधु संत प्रयागराज में होने वाले कुंभ के बाद चौथे चरण का आंदोलन शुरू करेंगे। प्रयाग में 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाली धर्म सभा के बाद हर शहर के मंदिरों में प्रार्थना और यज्ञ करेंगे और बुलंद करेंगे राम मंदिर के निर्माण की आवाज़।
अयोध्या से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज नेशन। अयोध्या में वीएचपी के बैनर तले संतों का जमावड़ा लगा तो वाराणसी में भी धर्म संसद हुई जिसमें शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरकत की। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने बताया कि राम मंदिर का निर्माण सनातन सिद्धांतों के मुताबिक हो और कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा खास है, अयोध्या में धर्मसभा भी हो रही है, आप भी यहाँ धर्म सत्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर कहाँ पर फंसा? ये कि राम के मंदिर के संबंध में कौन सा मतभेद है, न हमें न उनमें है, कोई भी नहीं चाहेगा कि राम मंदिर न बने, सब चाहते हैं, लेकिन राम का स्वरूप जैसा है उसके अनुरूप ही तो मंदिर बनना चाहिए। अब वो राम को मनुष्य अगर कहते हैं, एक महापुरुष के रूप में बनाना चाहते हैं, तो सनातन धर्म क्यों मानेगा उसको, ये बात। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका हल क्या है? इसका हल यही है जो सनातन धर्म के अनुसार चलिए, जो हम लोग कह रहे हैं उसको आप जनता के पास पहुंचाइए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको राम मंदिर जो है अध्यादेश लाने से या सिर्फ संसद में लाने से बनेगा कि या कोर्ट के रास्ते से बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या लगता है? माना राम जन्मभूमि में हम लोग मुकदमा जीत चुके हैं, राम मंदिर जो है राम जन्मभूमि है, ये पक्का हो चुका है, केवल उस अपील की सुनवाई एक बार हो जाए, मंदिर बन जाएगा। तो क्या आपको ये लगता है कि इन 4.5 सालों में राम मंदिर के बारे में बात नहीं की गई और अब जब चुनाव सामने है तो फिर से एक बार धर्मसभा की जा रही है? वही बात है कि इनका उद्देश्य जो है लोगों के दिमाग को दूसरी तरफ करना है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी साफ कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो रास्ता है वो साफ है, पर जो सरकार के जो फैसले हैं वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं से चुनाव को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एक बार फिर से सामने लाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। अयोध्या में एक और वीएचपी की धर्मसभा तो दूसरी ओर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मिशन। अपने 2 दिन के दौरे में दल बल के साथ उद्धव ठाकरे ने जो हुंकार भरी उससे साफ है कि हिंदुत्व एजेंडे पर वो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आज रामलला के दर्शन के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और सवाल के तीर चलाए कि सरकार बताए कि मंदिर कब बनेगा। ये पहला मौका रहा जब शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्ख ही अयोध्या नगरी में उफान पर नजर आई, वो भी ऐसे वक्त जब वीएचपी की धर्मसभा की हलचल रही। ऐसे में शिवसेना प्रमुख ने मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जो रणनीतिक चक्रव्यूह खड़ा किया उसे भेदने में बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दौरे के दूसरे दिन आज उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे और रामलला के दर्शन के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो बीजेपी के मंदिर प्लान पर जमकर तीर चलाए। फिर बता दो कि भाई और बहनों हमें माफ करो, ये भी हमारा एक चुनावी जुमला था, अब हिंदुओं के साथ और उनके खास करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में तल्खी कई बार आई, मगर अयोध्या अध्याय से कयास लगने लगे कि क्या ये महाराष्ट्र के बाहर यूपी में बीजेपी के लिए शिवसेना चुनौती पेश करने की तैयारी कर रही है या फिर ये दबाव की रणनीति है। लेकिन उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर पहले, सियासत की बात बाद में। जैसे मैंने कल कहा कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे, एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ। शिवसेना तो आपका साथ हिंदुत्व के लिए दे ही रही थी, दे ही रही है, और हिंदुत्व के लिए कुछ अच्छी बातें होगी तो उस विषय तक हम साथ दें। वैसे तो उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि वो अयोध्या में सियासत करने नहीं बल्कि रामलला के लिए आए, लेकिन सरयू तट पर आरती में शामिल होकर ठाकरे परिवार ने शिवसेना की सियासत को नई दिशा देने की कोशिश जरूर की, क्योंकि मिशन 2019 से पहले ठाकरे परिवार के लिए हिंदुत्व की विरासत पर एक बार फिर अपना हक जताने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। खैर, शिवसेना के अयोध्या प्लान पर बीजेपी अभी ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। अब जाहिर तौर पर है अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो,
चाहे आपसी बातचीत से हो, संविधान से हो, विधान से हो। तो क्या शिवसेना अब राम भरोसे महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करना चाहती है? अयोध्या की दहलीज पर तमाम सियासी सवालों को छोड़ उद्धव वापस मुंबई लौट गए, पर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अयोध्या से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज नेशन। अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की विशाल मूर्ति लगाने का फैसला किया है। भगवान राम की यह मूर्ति कांसे की होगी, जिसकी कुल ऊंचाई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा होगी। आखिर मंदिर विवाद के बीच में मूर्ति लगाने के फैसले का मकसद क्या है? रामचंद्र भगवान की, दोनों हाथ उठाकर के उमापति महादेव की, पार्वती पते हर हर महादेव। आस्था और रोशनी से जगमगाते इस तट को मिलने वाली है एक नई पहचान। अयोध्या में बनेंगे सबसे ऊंचे भगवान, सरयू के तट पर बनेगी राम की भव्य मूर्ति। यूपी सरकार ने कुछ ऐसी ही तैयारी की है, तैयारी भगवान राम की भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की। कहा जा रहा है कि भगवान राम की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंची होगी। शनिवार को हुई अहम बैठक में योगी सरकार ने अयोध्या में राम मूर्ति बनवाने का फैसला किया। भगवान राम की मूर्ति का मॉडल भी जारी हो गया है, यह राम मूर्ति कांसे की होगी। भगवान राम की यह मूर्ति 151 मीटर ऊंची होगी। मूर्ति के ऊपर 20 मीटर ऊंचा छत्र होगा, नीचे 50 मीटर का चबूतरा होगा। इस तरह मूर्ति की कुल ऊंचाई 221 मीटर होगी। इस मूर्ति के साथ एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें अयोध्या और राम से जुड़ा पूरा इतिहास होगा। यूपी सरकार ने मूर्ति बनाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी सरकार अयोध्या में राम की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनवाने जा रही है? मूर्ति बनवाने के पीछे मकसद क्या है? दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरह दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के एजेंडे में अयोध्या पीछे नहीं है। इसीलिए उन्होंने सरयू के तट पर भव्य राम मूर्ति बनाने का ऐलान कर दिया। अयोध्या में राम की विशाल मूर्ति बनवाने को बीजेपी के अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राम की मूर्ति के बहाने बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को बनाने की तैयारी में है, ताकि मंदिर की दिशा में सरकार कोई कदम न भी उठा पाए तो वो इस मूर्ति के बहाने ये दिखा सकेगी कि उसकी भगवान राम में गहरी आस्था है। राम की विशाल मूर्ति लगवाकर यूपी सरकार अयोध्या को टूरिज्म सेक्टर में खास पहचान दिलाने की भी तैयारी में है। पिछले दिनों भव्य दीपोत्सव और अब लाखों लोगों के जमावड़े से अयोध्या वैसे भी दुनिया भर में सुर्खियों में है। वहां सरयू के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति लग जाएगी तो अयोध्या की पहचान भी बढ़ेगी और यहां आने वाले सैलानियों की संख्या भी। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी सरकार के लिए अयोध्या का विकास पहले एजेंडे में है। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है और मंदिर से पहले भगवान राम की विशाल प्रतिमा बनवाकर योगी आदित्यनाथ यही संदेश दुनिया को देना चाहते हैं। लखनऊ से अनिल यादव और अयोध्या से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब बात कर लेते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग मां मामा जाति तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी रैलियों के दौरान पीएम मोदी की मां और पिता का नाम लिया तो मोदी ने भी करारा पलटवार किया। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव से छू हो गए हैं। इस बार यहां की चुनावी फिजा में मां, मामा, पिता और जाति जैसे मुद्दे हावी हैं। मेरे भाई बहन, अलवर में अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने सीपी जोशी के जाति वाले बयान पर सवाल उठाया कि क्या राजस्थान की जनता उनकी जाति को देखकर वोट करेगी। ना आपके पास राजस्थान की भलाई के लिए कोई विजन हो और न ही आपकी पार्टी के भीतर चल रहे
भीषण जंग का जवाब देने के लिए कोई तर्क हो तब फिर चुनाव का मुद्दा बन जाता है। मोदी की जात कौन सी है? आप मुझे बताइए भैया, ये मोदी की जात कौन सी है, इसके आधार पर वोट देंगे क्या? इससे पहले कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जात पूछी थी, हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली थी। ये अजीब देश हो गया, इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है वो हिंदू धर्म की बात कर रही है, साध्वी जी किसी धर्म की वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की हिंदू की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी यही नहीं रुके, विदिशा में उन्होंने कांग्रेस नेता विलास राव और मुक्तेमवार को भी कटघरे में खड़ा किया। मोदी ने कहा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, बावजूद इसके उन्हें चुनाव में घसीटा जा रहा है। मेरे पिताजी जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मेरे परिवार का 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव, गरीब परिवार जैसे होते हैं वैसी जिंदगी गुजारने वाले हम लोग, क्या कारण है क्या आज मेरे पिताजी को भी घसीट के ले आए जो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता विलास राव मुक्तेमवार का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया था। तुम्हें कौन कल तक जानता था देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले, और आज भी तुम्हारा कोई जानता नहीं। राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी, राजीव गांधी के माँ का नाम सब लोग जानते, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम सब लोग जानते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू सब लोग जानते हैं। 5 जनरेशन एक लाइन से सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये उसके पिताजी का नाम मालूम है, उसके पिताजी को तो छोड़ ही दो आप। पीएम मोदी ने अपनी माँ की तुलना रुपए से करने पर भी कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के एक नेता ने हमारी माताजी को चुनाव में घसीट लाए, हमारी माता जी जिसने बेचारी ने मध्य प्रदेश कहां है वो भी देखा नहीं है, जो राजनीति का रंग नहीं जानती है, अपने एक छोटे से कमरे में प्रभु पूजा में अपना जीवन बिता रही है, क्या मेरी मां को इस प्रकार से घसीटना उचित था? क्या आपके पास यही मुद्दा बचा है? इंदौर की एक रैली में कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने डॉलर के मुकाबले खस्ता हाल हो रहे रुपए की तुलना मोदी की मां से कर दी। आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो इज्जत से दान नहीं दिया था, हमारे संस्कार हमारी परंपरा ये नहीं कहती, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का दौर। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार मुद्दे निजी बन चुके हैं। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि वो इन मुद्दों के साथ बहती है या अपनी अपनी असल समस्याओं को ध्यान में रखकर अपना सिरमौर चुनती है। खुद कर पा भरोसा उठ गया है। टीम न्यूज नेशन। इधर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता विलास राव के बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने विलास राव के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और इसे लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और विलास राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की।